दोस्तों, आज हम लोग एक छोटी सी बात पढ़ेंगे। है तो छोटी सी, लेकिन वो छोटे से लेकर बड़ों तक को बड़ा परेशान किए रहती है। और आप हर स्टेप में मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स जब आप सॉल्व करते हैं तो हर स्टेप पर वो बात मिलती रहती है और आपको कुरेती रहती है, भाई मुझे निकालो। तो कभी कभी 9th 10th के बच्चों में भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है निकालने के से। वह है वर्ग और वर्गमूल। पहले तो हम वर्ग समझेंगे, वर्ग के बाद में आपको वर्गमूल बताएंगे। और बहुत ही सिंपल पद्धति से ये सारे बच्चों को, जो भी मैथमेटिक्स के प्यार करते हैं, जो जिनका भी लगाव मैथमेटिक्स से है, मैथ से है, गणित करना चाहते हैं, उनको इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेप में उनको ये बातें, ये जो दैर्ध्य है वर्गमूल का, आपको मिलता रहता है। ठीक, अब देखते हैं कि वर्ग, देखिए जरा, पहले एक काम याद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे। यहां पर स्क्वायर 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 स्क्वायर, इतना तो हर किसी को ओरली हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। कहीं भी आए आप ये बोल लें, इससे बड़ा करने की जरूरत आपको यहां पर अभी नहीं है, बड़ा करने के तो अच्छा रहेगा। एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इसका 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, अब इतना ओरली हर किसी को आता है एक का वर्ग। अब वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में गुणा कर देना, 1 गुणे 1। एक का वर्ग माने 1 गुणे 1, माने 1 1 के 1। 2 का वर्ग माने 2 गुणे 2, 2 बार करो, 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 3 9, 4 गुणे 4 16। इस प्रकार से आप इसका वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा मैक्सिमम आप 20 तक जा सकते हैं, कितना, 20 तक। ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर की बात आती है तब आपको बैक पेज पे जाना पड़ता है, वहां गुणा करना पड़ता। मान लो आप आ गया 37 का स्क्वायर निकालो, तो आप क्या करते हैं, मुझे पता है 37 इंटू, अब 37 का पारा तो आपको नहीं आता, am I right or wrong? ठीक है, अगर आता तो अच्छी बात है, 37 गुणे 37 करके निकाल लो, मुझे तो नहीं आता, आई एम श्योर। ठीक, मैं सच बता रहा हूं। तो आप इसका क्या करते हैं, 37 का 37 में गुणा करते हैं, तो 7 सत्ते 49 होता है, 7 तीन 21 होता है, 4 25 होता है, फिर 3 सत्ते 21 होता है, 3 तीन का 9 2 11 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 1 होता है, 1379 हमारा आंसर आता है। लेकिन अब जल्दीबाजी में कभी कभार ये गुणा करने में, पहाड़ा पढ़ने में भी अगर मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा आपका ये धारा का धारा रह जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आसान सी ट्रिक दूंगा। ठीक, क्या दूंगा, ट्रिक दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1 to 10 तब वो ट्रिक काम करेगी। ठीक, एक छोटी सी हम आपको ट्रिक देंगे और उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से, बहुत आसानी से बड़ी संख्या का वर्ग बिना कापी पेन की सहायता के आप कभी भी कहीं भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर मान, मैंने कह दिया बिना कापी या पेन की सहायता से, बाई चांस कापी पेन लेना पड़ा तो भी कोई बात नहीं, जब आप क्वेश्चन हल करने रहे कापी पेन आप सामने है, लेकिन इससे कई गुना आसान तरीका आपका वो हो जाएगा। ठीक है, अब वो तरीका कौन सा है उसमें जाने के पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको यहां पर ओनली 5 एग्जाम्पल दूंगा, 25 एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद 10 एग्जाम्पल्स आपको मैं वो दूंगा जिसका आपको करके मुझे रिटर्न रिप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वीडियो पूरा हो जाने के बाद में लगातार आप 2 3 दिन वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ वर्ग निकालने से लेकर के वर्गमूल निकालने तक की विधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, अब एक ही वीडियो में अगर सारी चीजें मैं आपको देता हूँ, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए एक वीडियो में सिर्फ एक बात पर चर्चा करेंगे।
आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, वर्ग निकालने की, किसी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालें, तो उसी पर चर्चा करेंगे। वर्गमूल निकालने की बात हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, जो आपको इसी वीडियो को सॉल्व कर लेने के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। ओके ठीक, आगे। अब हमें क्या बताया, हमें 37 का वर्ग निकालना है, 37 का वर्ग निकालना है। तो एक तरीका तो मैंने बताया ये, अगर आपको 37 का पहाड़ा आता है तो मान 37 का अगर 85 का आता है, 87 का आता है, 99 का आता है, 76 का आता है, ये तो आते नहीं पहाड़े, तो अब क्या करते हैं, आप गुणा करते हैं। अभी हमें 87 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो 87 × 87 करो जाकर, घंटे पर माता पच्ची करो, गुणा करो, जोड़ो घटाओ। तो उन सब से बचने के लिए सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास, ठीक, सिर्फ आपके लिए ये वीडियो है। अब एक एग्जांपल देखना ध्यान से, एकदम ध्यान देखना, मैं यहां लिखता हूं, देखो 37² = अब सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, कितना होता है, 7 × 7, 7 का वर्ग यहां पर लिखा, आपको याद भी हो, 7 × 49, 7 × 49, 7 × 7 = 49 हुआ ना, ये इतना होता, लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो यहां 3 या 2 होता तो 2 × 2 = 4, अगर यहां पर 4 आता तो 0 = 4 लिखते हैं। एग्जांपल पहले वो देख लो, ये मैं लिखूंगा 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर आपको हो सकता है कि इसका पहाड़ा आता कर लो, फिर देख लो, अब 24 ने 23 कर देता हूं, चलो 23 का 3 × 3 = 9, तो 9 को आप सिर्फ 9 मत लिखना, ऐसे लिखना 3 × 3 = 9 हो गया। अब इसका तो हो गया 3 का, अब आपको 2 का करना, तो बड़ी बात तो है नहीं, 2 × 2 = 4, इतनी बात आप समझ गए ना। पहला काम आपने क्या किया, 2 स्टेप है बस, पहला आपने इसका वर्ग कर लिया, दूसरा आपने इसका कर लिया, हो गया 409, 23 का वर्ग करने में आ गया, आगे क्या नहीं आया ना, अभी थोड़ी बात और बाकी, बस एक छोटी सी बात, ठीक है। पहला स्टेप आप हो गया, दोनों संख्याओं का वर्ग करके आप ले लिए 3 का वर्ग। अब यहां पर मैंने इसको छोड़कर यहां पर क्यों चला आया, सिर्फ ये बताने के लिए, अगर इसका वर्ग करने से इकाई का अंक आता है तो 0 उसमें लगा के लिखना, 09, 3 × 3 = 9 था 09 लिखा था। अब जैसे यहाँ 7 × 49, हमने 49 लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ एकल अंक आता है, इकलौता अंक आता है वर्ग करने पर, इकलौता अंक दो ही जगह है, एक के साथ है 3 के साथ, बस 1 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, उसके ऊपर तो अपने आप 2 आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर आ गया 3 × 3 = 9, 09 लिख दिया, यहाँ पर 2 का 2 × 2 = 4 लिख दिया, तो आपको सब कन्फर्म हो गया होगा, कन्फर्म हुआ ना। अब अगला काम क्या, उसको ध्यान से ना, पहला काम आपने सीख लिया, दूसरा काम क्या है, अब इसका गुणा इसमें करो 2 × 3 = 6, अब जो आ जाए उसका गुणा इसमें करो, इसकी माने 2, ये हमेशा 2 रहेगा, माने या तो ये समझ ले इन दोनों अंकों का गुणा करके 2 गुना कर दो, ठीक है। अब कहता हूं 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, अब 12 कहां लिखेंगे, 12 में एक अंक छोड़ लिखना, 2 यहां लिखना, 1 यहां, हमेशा जो भी अंक आएगा गुणा करने पर नीचे लिखेंगे, लास्ट का अंक छोड़ के लिखना। अब जरा जोड़ लो इसको, ये 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। तो बेटा लो, बच्चे लो, ये आपका 23 का वर्ग करोगे तो आपको यही आंसर आएगा। अब जरा ऊपर देख लेते हैं, अब यहां पर आप लिख लो 529, 23 × 23 = 429, अच्छा अब जरा इसका ऐसे देखेंगे आप, अब स्टेप तो आप समझ गए होंगे ना, पहला स्टेप इकाई का स्क्वायर, दूसरा स्टेप दहाई का स्क्वायर, अब यहां पर होगा 3 × 9, ठीक हो गया। अब देखना ध्यान से, 3 × 7 = 21 हुआ, 21 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, तो 42 आप कहां लिखेंगे, 2 यहां 4 यहां, जो डालो यहां पर 9 हो गया, ये 4 × 2 = 6 हो गया, और 9 × 4 = 13 हो गया, 1369 आएगा इसका, 37 का 1369
आ जाएगा। बात समझ आई ना? अब चलो दो एग्जाम्पल में, अब मैंने आपको पांच एग्जाम्पल देने की बात की है, अभी मैं छोटे में हूँ, एक छोटा और लूंगा, वो छोटा ये है 55 देता हूँ, चलो 55 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा पहले इसका 25 हो गया, फिर इसका 25 हो गया ना, इसका भी स्क्वायर करो 25। अब 5 पचे 25, 25 दूनी 50, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ये आपका हो गया 5, व्हाट, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 5 5 10 0, 2 1 3, तो ये हो गया आपका 3025, जिसका 55 का है ना। आसान विधि है, माने वर्ग करने की इससे आसान विधि आपको मिल ही नहीं सकती। कितना आसान, बहुत ही बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने ये दिया है, ठीक है। अब चलो हम आते हैं, एक बड़ा सा लेंगे या बड़ा अंक लेंगे, बड़ा अंक कौन सा, में दो अंक तक आप पहले रहिए, 3 अंक मैं इसके इससे बताऊंगा। ये बड़ा अंक मैंने ले लिया 97, थोड़ा सा बड़ा है ना, इसका हमें स्क्वायर करना है। अब हमें लगता है आपके दिमाग में तो आ गया होगा क्या क्या करना है ना, और आप आधे लोग कर भी लिए होंगे। अगर ऑनलाइन होता मैं आप तो उत्तर पूछ देता, आप तो आंसर पूछ देता, आंसर पूछ देता तो आप बता देते। देखिए इसको 7 7 49, आपका एक काम हो गया यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 9 9 9 9 81, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना, 9 7 63, 9 का गुणा किया साथ में, 9 7 63 और 63 2 126, बराबर है। अब 126 कैसे लिखेंगे, ये चार ही जानते रहना, 126 6 2 1, ये देखना। अब जोड़ डालो इसको, इसको जोड़ोगे तो बचेगा यहाँ पर 9 6 4 10 0 2 1 3 1 4 8 1 9, 9409 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 9409 किसका, 97 का। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपको ये आ गया होगा। अब इसका आप क्या करना ना, 15 20 माने 1 to 100 99 मान लो, 1 to 99, 15 क्वेश्चन 15 अंक अपने मन से लो और उसका फटाफट करके देखो। अब एक मैं और करूंगा, एक करने के बाद में आपका ये आज का ये वीडियो वर्क बनाने का, जो 2 अंक का वर्क बनाने का वीडियो है, आपको कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके हाथों में सौंप दूंगा। चलिए अब कौन सुन लो, कौन सुन लो, कौन सुन लो, कौन सुन लो, ये 89 ले लेता हूँ, ठीक है, 89 स्क्वायर। अब देखना 9 9 81 और 8 2 64, इतना तो हो गया, माने पहले इसका वर्ग करके यहाँ लिखेंगे, इसका वर्ग करके यहाँ लिखेंगे। अब 9 8 72, 72 2 कैसे करोगे, 70 2 140 और 2 2 4 144, ये देखो 4 4 1, जो डालो कितना होगा, ये यहाँ मैं लिखता हूँ 1 8 4 12, 4 4 8 1 9, 6 1 7, फिर देख लो यहाँ पर 1 हो गया, 8 4 12 2 5 6 1 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, आपका 89 का स्क्वायर 7 9 2 1 हो गया। इस प्रकार से 1 से लेकर के 99 तक किसी भी संख्या का वर्गमूल आप आसान, सॉरी वर्गमूल नहीं, सॉरी सॉरी पांच बार सॉरी बोल रहा हूँ, किसी भी संख्या का वर्ग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, ये ट्रिक जो आप बता रहे बताई जा रही है यहाँ पर, ये ट्रिक आप लोग यूज मैथ्स में करते हैं नहीं करते हैं अलग बात है, लेकिन करेंगे तो आसान हो जाएगा, आपके छोटा हो जाएगा। प्लस ये ट्रिक यूज करने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, आपका जो मेमोरी होती है, मेमोरी पावर होता है, वो शार्प होता है, दिमाग आपका तेज होता है, इसलिए कभी कभी खेल खेल में भी आप इसको करके अपने मन से ट्राई करके अंदाजा लगा करके इसको प्रैक्टिस करके अपने दिमाग को तेज बनाएं और आगे बढ़ें, बराबर है। जो जिस जो दिमाग कैलकुलेशन में जितना शार्प होता है, बाकी अदर सब्जेक्ट में उतना ही शार्प हो जाता है, इसे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दे करके इसको आप कर लीजिए। तो ये वीडियो आपके हाथ में रहा, क्या वर्ग निकालने का, वर्ग निकालना कितने मिनट में, मिनट मत बोलना, कितने सेकंड में,
मात्र 5 से 6 सेकंड में 1 से लेकर के 99 तक का किसी का वीडियो निकाल, किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। अब एक जाते जाते एक नई ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान देना। जिस जिसमें इकाई का अंग 5 हो, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, ध्यान दो, ये अंक से अलग है, एक माने अलग सा नियम इसमें है। अगर जिस संख्या की इकाई के स्थान पे, इकाई की जगह पर 5 हो, उसका आप वर्ग कैसे करेंगे, ध्यान दो, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले ये 5 का आप तो 25 लिख लो, सब में 25, 25, 25, 25, क्योंकि सब में 5 है ना, 25 आपने लिख लिया। अब 25 लिखने के बाद में इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 1 है ना, अब इसमें एक संख्या और जोड़ लो, एक संख्या और जोड़ लो, 1 1 2 हो गई ना। अब उस इस 1 और उस 2 का गुणा कर, 2 1 2, तो माने 15 का वर्ग करोगे तो 225 आएगा। जरा अब और देख लेते हैं, 25 का कैसे हम करेंगे, 5 5 25 तो बिना पूछे लिखना, इसमें कुछ आपको करना है नहीं ना। अभी 2 है और इससे एक बड़ी संख्या 3 2 3 6, माने 25 का 625 हो सकता है। 35 का कैसे करेंगे, 5 5 25, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर 3 है, 3 1 4, 4 3 12, 5 5 25, 4 5 20, 5 5 25 और 6 5 30, माने किस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब ये 4 संख्या मैंने आपको दिया है, बराबर है, आप इसको करके मुझे बता देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपने वर्ग निकाल लिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का वर्ग करके, ध्यान देना, जैसे यहां बताया गया है उसका वर्ग करके आप मुझे सेंड कर देना। वर्ग ज्ञात करो, फाइंड आउट स्क्वायर, फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये क्या है, 16, 36, 72, 82, 87, 97, 98, 93, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 53, 57, 51, 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 63, 72, 76, 82, ये कितना, ये 15 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 15 डिजिट्स ये मैंने आपको दिया है। अब स्क्वायर में 1 पर लगा देता हूँ, बाकी सब भी आप बदल लेना। इन सब का स्क्वायर करके आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पर इसको सेंड कर देना, ठीक ना। आपको सेंड करने के बाद में ये मुझे ये पता लग जाएगा कि आप लोग इसमें कितने एक्टिव हैं, आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। स्पेशली ये जो चैप्टर आपका है 7वीं 8वीं बड़ा काम का होता है, लेकिन अब 7वीं 8वीं काम होता है, 9th 10th वाले भागो मत। जितना भी पाइथागोरस लगाओगे, जितना भी कैलकुलेट करोगे, जहां भी जाओगे, तुमको वर्ग और वर्गमूल से निजात मिलने वाली नहीं, इससे होकर आप गुजरना पड़ेगा। इससे सारे लोगों को ये वीडियो देख करके इसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। और हाँ, अगर आपको, लास्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम का है, तो कम से कम एक एक स्टूडेंट 10-10 लोगों को शेयर करेगा, ताकि उसका भी भला हो जाए। उसको शेयर करेगा जो आपकी छोटी कक्षाओं में है, बताएगा, और सब्सक्राइब खुद करना, और सामने वाले को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ठीक है। क्योंकि जितने लोग आप सब्सक्राइब करते जाएंगे, जितने सब्सक्राइब करते जाएंगे, उतने ज़्यादा आपको वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। आप ध्यान देना, इसके बाद के वीडियो जो आपको जाने वाले हैं उसको देखना मत भूलना, क्योंकि अभी मैंने वर्ग और मूल संबंधी सिर्फ एक वीडियो बनाया है। अभी 2 वीडियो इसमें और बनाऊंगा, जिसमें आपको छोटी छोटी टिक दूंगा, जहां ये तो आपने वर्ग कर लिया ना, और मूल करने की भी और समस्या होती है, जिसमें आपको वर्ग मूल निकालने की वो परंपरागत पद्धति, गुणनखंड विधि, भागखंड विधि नहीं, मैं सीधा एक नई विधि आपको बताऊंगा, नया आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और मैं सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।